हरे कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे वास्तविक संबंध किससे जोड़ना चाहिए। तो हम सब देखते हैं कि विदेशी लोग कितने ही आतुरता से और भाव के साथ भक्ति करते हैं, किंतु अगर यदि हम भारतीयों को बोलें तो भारतीय हमसे क्या बोलते हैं, कहते हैं कि यदि हमारे पास समय नहीं होता कि हम भक्ति करें, और भक्ति अभी करने की क्या जरूरत है, बुढ़ापे में करेंगे आराम से भक्ति, किंतु बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती। तो जो भारतवर्ष के लोग हैं, जैसे हो गए हिंदू मुस्लिम या पंजाबी हो गए, गुजराती मराठी हो गए, ये लोग इतना बिजी रहते हैं अपने कामों में और अपने रिश्तेदारों को सगे संबंधियों को पसंद करने में, इनका 70% जीवन ऐसे ही चला जाता है, और जो बचा है कुछ उसमें बिजनेस करने में ही लगे रहते हैं। तो भक्ति के लिए समय कब मिलेगा, भगवान से जुड़ने के लिए समय नहीं मिल पाते इन लोग को। और ये देखा जाता है कि भगवान से जुड़ने के लिए समय कुछ ना कुछ समय निकालना, क्योंकि भागवतम में बताया जाता है कि व्यक्ति को अपने भौतिक कार्य करते हुए भी भक्ति में कुछ अंग भक्ति के करने चाहिए। जैसे कि आप भौतिक संसार में हैं तो आपको भौतिक कार्य भी कीजिए, आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस भी कीजिए, बट उसमें से कुछ समय अपने भक्ति के लिए निकालिए। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार भारत है, तो एक महात्मा थे जो भागवतम में कथा आता है कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी और वो अपनी बड़ी पत्नी से कभी प्रेम नहीं करता था, और किंतु जो चौथे नंबर पे सबसे छोटी पत्नी थी उसे वो अधिक अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था। तो कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पास 4-5 दिन है। तो वो अपने घर आता है और सबसे ज्यादा जिससे वो प्यार करता है, जिस पत्नी से, उसे बोलता है कि देखो बेगम, मेरे पास बस 4-5 दिन ही है और मुझे कैंसर हो गया, तो क्या तुम मेरी इस मुसीबत में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ रहोगी? तो वो जो पत्नी होती है वो कहती, नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, और अच्छा हुआ आपने पहले बता दिया मुझे, अब मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, आपके जाने से पहले मैं किसी और को ढूंढ लूंगी जिसके साथ मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। तो राजा वहां से उदास होकर दूसरी पत्नी के पास पहुंचता है, तो दूसरी पत्नी से भी यही बात कहता है। तो दूसरी पत्नी बोलती है कि स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी, किंतु ग्रह के जो घर है, घर के द्वार तक ही जाऊंगी मैं, उससे आगे आपके साथ नहीं जाऊंगी मैं। तो वहां से वो तीसरी पत्नी के पास पहुंचता है और तीसरी पत्नी से बोलता है कि देवी, मैं कुछ समय का ही मेहमान हूँ और मुझे 2 पट रानियों ने तो मना कर दिया, बट मुझे अब आशा है कि तुम मेरा साथ दोगे। तो वो कहती है कि स्वामी, मैं आपका साथ तो दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको शमशान घाट तक ही जा सकती हूँ आपके साथ, उससे आगे का यात्रा आपके साथ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो यह बात सुनकर वो बहुत ही दुखी हुआ, और लास्ट में वो चौथे नंबर की जो पटरानी थी, जिस पटरानी से वो कभी भी प्रेम नहीं करता था, उसकी चिंता नहीं करता था और उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं था, उस पत्नी के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं इस प्रकार से रोग से ग्रस्त हो गया हूँ और कुछ समय में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो वो है पत्नी जिसे वह कभी भी ध्यान नहीं देता, कभी भी सम्मान नहीं करता, वो पत्नी बोलते कि मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगी, पर तुम तो मुझे कभी ध्यान ही नहीं देते हो। तो जब इस प्रकार से वो बोली, तो ये बोलने के बाद तो महात्मा लोग बताते हैं कि जो व्यक्ति था वो हम हैं, और जो 4 स्त्रियां थी जो उस व्यक्ति की, वो प्रथम स्त्री जिसे वो अत्यधिक प्रेम करता है वो है धन। तो मृत्यु के पश्चात ही, मृत्यु से पहले ही हमारा धन छिन जाता है, मृत्यु के पहले ही हमारा पुत्र नहीं तो हमारे स्वजन है वो हमारे धन को हमसे छीन लेते हैं। और जो दूसरी पटनानी थी जिसने बोला कि मैं आपके ग्रह तक आऊं, वो दूसरी पटनानी जो आपकी स्वयं की पत्नी है, वो सिर्फ आपको ग्रह तक ही आ सकती है, घर के द्वार तक ही आपका साथ देती है। और जो तीसरी पत्नी वो शमशान घाट तक जाती है, जो हमारे सगे संबंधी है, हमारा शरीर है, इस सिर्फ शमशान घाट तक ही सीमित है। किंतु जो चौथी पत्नी है जिसकी वो कभी भी फिकर चिंता नहीं करता था, जो कि भगवान कृष्ण है,
और परमात्मा है, उन परमात्मा की कभी उसने ध्यान ही नहीं किया, वो परमात्मा सदैव साथ रहते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने कुछ समय निकालकर भक्ति की तरह अग्रसर करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम जिस जिस वस्तु का मोह करते हैं वो मृत्यु के पश्चात सब कुछ हमारा यहीं रह जाएगा। तो अत्यधिक हमें संग्रह करके कोई फायदा नहीं है, हमें अत्यधिक कोशिश करना चाहिए किस प्रकार हमें भक्तों का संग ले, भक्ति करें और भगवान का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का सदा जप करना चाहिए। हरे कृष्णा।